नगर निगम और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने मंगलवार को वेतन भत्तों की कटौती के विरोध में काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने बताया कि पूरे देश में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सीज किया था। इस पर सभी कर्मचारियों ने अपनी मौन स्वीकृति दी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने वेतन सीज होने के बाद भी अन्य भत्तों में कटौती कर रही है। उस कटौती के विरोध में हम सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता चालू करो, अन्य भत्ते जो रोके जा रहे हैं उसको लागू करो, लागू करो। मेरा नाम राम प्रकाश सिंह, नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति अध्यक्ष। पूरे देश में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किया था, जिसमें सभी कर्मचारियों ने अपनी स्वीकृति मौन स्वीकृति दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उस वेतन डीएफ फ्रीज होने के बाद भी अन्य वेतन भत्तों में जो कटौती की गई है, उस कटौती के विरोध में हम लोगों ने एक दिन 12 बजे कैंडल जला के उसको प्रोटेस्ट किया गया था। उसी के क्रम में आज हम लोग काला पट्टी बांध के काला फीता लगा के अपने कार्यों को करेंगे। ये हमारा एक सांकेतिक विरोध है, क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए कोई आंदोलन हो नहीं सकता है, सामाजिक दूरी का भी ध्यान देना है, इसलिए लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। क्योंकि अगर सरकार से हमारी मांग है कि जो आपने वेतन भत्तों की कटौती की है उस आदेश को तत्काल वापस करें, वरना नगर निगम या स्थानीय निकाय का कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।